नैनीताल रोड बरेली पर क्रॉसिंग के पास एयरफोर्स स्टेशन के गेट के बाहर गलत तरीके से वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट की वर्दी धारण कर घूम रहे एक व्यक्ति से वायुसेना पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम इंद्र कुमार माली पुत्र श्रीपत माली निवासी 75 बहुतचक उपाध्याय थाना उभाव जनपद बलिया उत्तर प्रदेश बताया। इंद्र कुमार के आईडी कार्ड अन्य दस्तावेज चेक किए गए तो उक्त आईडी व अन्य कागजात फर्जी पाए गए। उपनिरीक्षक श्री सुनील कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो इंद्र कुमार ने वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होना बताया तथा आईडी कार्ड व अन्य कागजात चेक किए गए तो फर्जी पाए गए। अभियुक्त इंद्र कुमार माली ने बताया कि वह मूलंत जनपद बलिया के ग्राम बहुतचक उपाध्याय थाना उभाव का रहने वाला है और विगत 3 वर्ष पूर्व वह हल्द्वानी चला गया। यह बताया कि उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि वह एयरफोर्स में पायलट अफसर है और आसपास के लोगों में यह प्रचार करने लगा कि वह एयरफोर्स में अधिकारी है और वहां पर उसकी साठगांठ है और नौकरी भी दिलवा देगा। इस प्रकार नई जगह पर मोहल्ले के सभी लोग इसको एयरफोर्स अधिकारी के रूप में जानने लगे। दुकानदारों से रौब जमा कर डिस्काउंट करा कर कम रुपए देता था। अभियुक्त के पास से बरामद मोबाइल नंबरों की विस्तृत पूछताछ व जांच की जा रही है। इस संबंध में अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है। 5 फरवरी को एयरफोर्स स्टेशन के पास एक इंद्र कुमार नाम का आदमी जो कि मूलतः बलिया का रहने वाला है लेकिन कुछ सालों से हल्द्वानी में अपने परिवार सहित रह रहा है, वह पूरी एयरफोर्स की वर्दी पहनकर और एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट का आई कार्ड लेकर घूम रहा था, जिसकी सूचना पर एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पाकर तत्काल बैरियर पंचों की प्रभारी थाना इज्जत नगर पहुंचे महमराई फोर्स के और उसे पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान स्पष्ट हुआ कि उसके पास कई आधार कार्ड जो कि डिफरेंट पतों पर बने हुए हैं एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट का आई कार्ड भी मौजूद है। डस्टर गाड़ी भी उसके पास से मिली है जिस पर भी एयरफोर्स का लोगो लगा है। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि ये 3 वर्षों से करीब इस तरीके का आई कार्ड बनाकर और वर्दी खरीद कर लोगों से ठगी करने का कार्य कर रहा है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उसे जेल भेजा गया है। अन्य तथ्यों पर भी गहराई से जाँच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।